हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। प्रिय मंदिर के पीछे से आवाज आ रही है, ऐसा लगता है कि मंदिर के अंदर कोई पुजारी है। अलख निरंजन बच्चा। हाँ बाबा। अरे धरे है नंदलाला, धरे है नंदलाला, अरे नटनी का भेष धरे है मोर मुकुट माथे पर सो है नटवर भेष गोपाला। नटवर भेष गोपाला बाबा, नटवर भेष गोपाला, नटवर भेष गोपाला बच्चा, नटवर भेष गोपाला, नटवर भेष गोपाला बाबा, नटवर भेष गोपाला। गोरख का चान मारियो नैन बान नंदलाला, अरे नटनी का भेष का भेष धरे। बच्चा। हाँ बाबा। अब दुर्गे माँ के मंदिर पे आ गए। हाँ बाबा। जय दुर्गे माँ की। तरण तारणी माँ दुर्गे को हमारा मुनिवर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए बेटा, क्या पूछना चाहते हो? पूछिए, चाहे भूतकाल की बातें हो या भविष्य काल की बातें हो या वर्तमान काल की बातें हो, तीनों काल की बातें बतलाऊंगा। ठीक है। ये सिपाही प्रणाम करता है मुझे। खुद रहो पूत, जियो जागो को हाथ ना लागो। अरे गुरुदेव, ये कैसी अशुभ आशीर्वाद दे रहे हैं आप? मतलब जियो जागो, कभी किसी दुश्मन के हाथ न लगा। ऐसा ऐसा बोलो गुरुदेव, क्या बोलना चाहते हो पूछो। और दीप जलता हुआ, दीप जलता हुआ, क्यों बुझ गया पुंजारी है। पुंजारी है, बताओ जल्दी हमें, बताओ जल्दी हमें, जो कुछ अशुभ विचारी है। हमें जो कुछ अशुभ विचारी है। मुनिवर, मैं आरती उतार कर रहा था और आरती उतारते समय एक बैग जलता हुआ दीपक बुझ गया। ये बुझने का क्या कारण है? बेटा, ये अशुभ की बातें हैं। क्या अशुभ है मुनिवर? तो लिखा ज्योतिष में जो है हम उसको बयां करते हैं। क्या लिखा है?
वालों के यहाँ दीप नहीं जलते नहीं, नहीं। बेटा अभी कुछ मिनट में सब कुछ नजर आएगा और मौत के मुंह में तेरा लाल चला जाएगा। चला जाएगा और मौत के मुंह में तेरा लाल चला। तो ध्यान दे करके सुनो, ध्यान दे करके सुनो, पीछे से बला बोल रही। क्या वो देखिए जो बोल रही है ये बेटे के ऊपर आने वाली बला है। क्या ये आने वाली बला है? हाँ बेटा। तो ध्यान दे करके सुनो, पीछे से बला बोल रही और मैं नहीं कहता मेरी सत्य जुबा बोल रही। सत्य जुबा बोल रही और मैं नहीं कहता मेरी सत्य जुबा बोल रही। मुनिवर मेरे बच्चे को इस ग्रह से बचा लें, इस ग्रह से बचा लें। इकलौता बेटा है और बेटे के सिवा दूसरा कोई संतान नहीं है। बेटा तुम्हारे बेटे के ऊपर इस वक्त 7.5 शनिश्चर का प्रकोप है। दाहिने पर ढैया और बाएं पर सवैया विराजमान है और सामने शनि की दशा उसके ऊपर मंडरा रही है। लेकिन मुनिवर आप चाहें तो इस ग्रह से छुटकारा मिल सकता है। बेटा उपाय है। क्या उपाय है गुरुदेव? जो साधु या पंडित उल्टा 1000 बार जाप करता हो उसे जाकर के उल्टा जाप करवाइए, 7.5 शनिचर का प्रकोप कम हो जाएगा, ग्रह शांत हो जाएगा और बेटा बच जाएगा। अगर आप जानते हो तो आप ही मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप ही कर दीजिए। हाँ मैं बचा सकता हूँ, बेटे की जान बचा लीजिए। लेकिन बेटा बेटे को बचाने के लिए उल्टा जाप करने के लिए तुम्हें कुछ सामग्री देना होगा। क्या सामग्री है आप बताएं, वो सामग्री अवश्य दूंगा। बेटा ए बचुआ, जो सामग्री लगे शनि देवता की पूजा करने में वो सामग्री मांग ले। सामग्री लागे बाबा? क्या सामग्री है? सामग्री आपको देना होगा जो किस समय दिल लगेगा आपको सब कुछ मिलेगा। अरे एक धोती एक लाल लंगोटा और बाबा का चाहिए एक अच्छा लोटा। लोटा चाहिए? हाँ लोटा चाहिए, ओके काम है। लाइके लोटा जा बैझारे और ये सब कहीं है ये आही पाले। हमका पाले कौन है कहत? एक लोटा चाहिए। राम ही राम राम ही रसिया और दूध पिए का चाही गिलासिया। एक गिलास चाहिए? एक गिलास चाहिए। पी के दूध हो बे तगड़ा और यही मंदिर पा कर बे झगड़ा। मगर ये आप क्या करें? आप लोगों से झगड़ा नहीं करूंगा। आजकल के जमाने में मूर्ति की बहुत चोरी हो रही, अगर दूध पिया दे हो ताकत रहे तो झगड़ा कर जाओ, कोई चुरा नहीं पाएगा। अच्छा अब समझा। ई मन चाही और न दूजा और फागुन दान दियो खरबूजा। दो किलो खरबूजा लागी। ठीक है गुरुदेव, ये तो
पी के दूध दिया भाई भारू और बाबा का चाही दुई मेहरारू। मुनिवर ये आप क्या कह रहे हैं? कारण हो के दोनों के व्यवस्था चाहिए, यानी बुढ़ाई क्या व्यवस्था? अब जवान हैं बुढ़ाई नहीं का हो तो बुढ़ाई के लिए सेवा के लिए चाहिए। एक चाही बिछावे का खटिया और एक चाही आवे जाए टेंगावे का सोटिया। अब समझा कि आपको चेलिन चाहिए। चेलिन चाहिए बुढ़ापे में जो काम आए। उड़गा तोता खाली होएगा पिंजरा और ये बाबा का चाही एक ठू हिजला। मुनिवर ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं हमका तो मेहरारू लागत, ये बाबा का हिजला लागत है। व्यवस्था कर दी हो बाबा? ये व्यवस्था तो नहीं हो पाएगा। आ? और हर सामग्री मिल जाएगा कहूँ गांव घर में कहूँ? नहीं नहीं आ? नहीं ना वो कहीं तलवा कहीं जय हो। मुनवरी ये काम मुझसे नहीं होगा। तो तुम व्यवस्था कर दी हो जाए। वही बीचे वाला इनका बाबा चाहिए। लेकिन मेरे बेटे को किसी तरह बचा लो। बच जाए, इतना मिल जाए तो बच जाए, पक्का है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। खटुलिन खाओ हो सोहारी। अब बच्चे को हमें दो, क्योंकि जब तक हम लोग जाप करेंगे माँ बाप किसी के बच्चे के ऊपर परछाई नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, अपने बेटी को मुझे दे दो और मंदिर में बैठ करके मैं जाप करूँगा, और जब तक जाप चलता रहे माँ बाप या किसी भी व्यक्ति की परछाई बेटे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है मुनिवर। बाबा, माँ दुर्गे इन लोगों से नाराज हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हमको देखा प्रणाम नहीं किया। हाँ बेटा हाँ। और ये और एक बात और है बच्चा। और क्या बात है? ये कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है। हाँ। ये माँ का मंदिर है। हाँ। यहाँ पर माँ दुर्गे के ऊपर नारियल और घी के दीपक जलते हैं, पान फूल चढ़ाया जाता है, लेकिन तुम यहाँ पर कुरुक्षेत्र का रणस्थल बना लिया। ये रण के अस्त्र शस्त्र बांध करके आए हो क्या मुनिवर? ये माँ के मंदिर पर वर्जित है, इसी से तो माँ नाराज हो गई। लेकिन मुनिवर ये तो माँ दुर्गे का सिंगार है। बेटा रण के अस्त्र शस्त्र जो हैं ये यहाँ मंदिर पे लाना वर्जित है। तो इसके लिए क्या उपाय है? बेटा ये रण के अस्त्र शस्त्र जो हैं माँ के नाम संकल्प कर दो। ठीक है मुनिवर, जब ये बात है तो माँ के चरणों में मैं हाँ समर्पित कर रहा हूँ। तुम भी जो सामग्री लाए हो उसको माँ के नाम संकल्प कर दो, नहीं बच्चा बीच में रुक जाएगा। अरे नहीं गुरुदेव, आप कहते हैं तो हम जो भी अस्त्र शस्त्र हमारे पास है हम सब माँ के नाम अर्पित कर दूंगा। अगर नहीं मुनिवर, कोई छोटा हथियार जेब वो माँ रखे हो तो ओका दे दियो, नहीं तो फिर तुम जाने तो वहाँ काम जाने। छोटवारो हो जान। हाँ गुरुदेव, और कुछ हो नहीं हमारे पास, एक नान के चक्कू बांधे हैं। उसे भी दे दो, नहीं तो फिर बच्चा नहीं बचेगा। चक्कू दे दे। हाँ दे दो। ठीक है साहब, सब दे दे। और मुनिवर मैं मंदिर के पीछे बैठ कर इंतजार कर रहा हूँ। जाओ बेटा, जब जाप खत्म हो जाएगा मैं आज लगाऊंगा। लेकिन मेरे बेटे को बचा लेना, प्रिय बेटे को मुनिवर को दे दो। प्राणनाथ, आप कह रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं है? अगर विश्वास नहीं तो किसी दूसरे से करवा लेना। जाओ, ले जाओ अपने बेटे को। मेहनत का काम है, हमारे गुरु महाराज उल्टा होंगे तब हम लोग जाप करेंगे। प्रिय ये मुनिवर हैं, भगवान के भक्त हैं, इन पर विश्वास करना चाहिए और फिर विश्वास का फल होता है। प्रिय मुन्ने को दे दो।
अगर आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी को कुछ होने न पाए। कुछ नहीं होगा प्रिय, कुछ नहीं होगा। गुरुदेव सिर्फ इकलौता बेटा है। घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा बच्चे को। जाओ बेटा माँ के मंदिर के पीछे बैठ जाओ। ठीक है, मैं मंदिर के पीछे बैठकर इंतजार कर रहा हूँ। बेटा। हाँ बाबा। ना बाबा ना अय्या। और कैसा बनाया बुझैया। अरे अब क्या देखता है, क्या हुक्म है, उतारिए। उतारो ए रोमा बार उतारो यार, खूब एक घंटे से पहना दियो। बाबा हथियार भी मिल गया, गोला बारूद भी मिल गया, सुमन सिंह का बच्चा भी हाथ लग गया, बेवकूफ बन गया सुमन सिंह। सुमन सिंह जाप खत्म हो गया और बच्चे को ले जाओ, ले जाओ। धोखेबाज गद्दार, ये तूने क्या किया, इतना बड़ा छल मेरे साथ। सुमन सिंह, करण सिंह, पहचाना तो लेकिन देर में पहचाना। घबराओ नहीं सुमन सिंह, हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे, लेकिन मैंने वादा किया है किस बदले की आग को जलाकर जब तक खाक नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठ। करण सिंह, दुश्मनी मुझसे थी, मेरे आबोध बालक से नहीं। अगर तुझे मारना है तो मुझे मार दे, मुझे मार दे, लेकिन मेरे बच्चे की जिंदगी मत ले। सुमन सिंह, तो हाथ में हथकड़ी, पांव पेरी बिना रे हाथ में हथकड़ी। मुझे जयपुर की जेल में, अब तू जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। बनकरण सिंह आया तेरा काल है। अब तू जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। बनकरण सिंह आया तेरा काल है। करण सिंह, मैं निहत्था हूं, मजबूर हूं। मैं निहत्था नहीं होता तो मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता। करण सिंह, मेरे आबोध बालक की जिंदगी मत ले, मेरे बेटे को मुझे दे दे। सुमन, सुमन सिंह, एक दिन मैंने तेरे सामने हाथ जोड़ रहा था, माफी मांग रहा था, लेकिन तूने मेरी आवाज को नहीं सुना। आज तू हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, आंखों से अश्रु की धारा बहाएगा, लेकिन तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। करण सिंह, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। तुझे तुझे जान लेना है तो मेरी जान ले। सुमन सिंह, तूने मेरे हाथ में हथकड़ी डाल करके अपना फर्ज पूरा किया है, लेकिन आज ये करण सिंह अपना फर्ज पूरा करेगा। सुमन सिंह अपना फर्ज पूरा करेगा,
आज मैं तेरे बेटे के चार टुकड़े करूं। नहीं, चार टुकड़े करूंगा। कहा ठकुराइन ठकुराइन, अपने पति की भुजाओं की ताकत पर तुझे बहुत बड़ा नाज था, बहुत बड़ा नाज था। करण सिंह, मेरे स्वामी जी ने एक बहादुरी का काम किया है, तेरे जैसे कायर का काम नहीं किया। तू कायर है, बुजदिल है। करण सिंह, तूने धोखे से मेरे बेटे को लेकर अच्छा नहीं किया। जुबान में लगाम दो, मैं नारियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता। अगर ते हाथ उठाता होता तो अब तक मैं तुझे मिटा देता। करण सिंह, मैं तुझे मिटा देता। सुमन सिंह, तूने 1,00,000 रुपए के लिए, एक बंदूक के लिए, शौकार तुसों के लिए मुझे गिरफ्तार किया था। अब तो बेटे के लिए रोएगा। नहीं करण सिंह, बेटे के लिए रोएगा। नहीं करण सिंह, ऐसा मत कर। करण सिंह, अगर तुझे, नहीं करण सिंह, भगवान के लिए, नहीं, नहीं। प्रिय, आज करण सिंह को गिरफ्तार नहीं करता तो तुम्हारी गोद से मेरा इकलौता बेटा छीना नहीं जाता। प्रिय, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा किया था, मैं अपना फर्ज पूरा किया था। प्रिय, और अब न रोबो प्रिय, धीर दिल में धरो, अब न रोबो प्रिय, धीर अपना रोवो प्रिय, धीर दिल में धरो, अपना पत्थर जिगर प्यारी तुम अब करो, अपना पत्थर जिगर प्यारी। जो लिखा किस्मत में टाले टल सकता नहीं, रोने धोने से कोई अब हल निकल सकता नहीं, और जो हुआ सो हुआ उसका गम ना करो, जो हुआ सो हुआ उसका गम ना करो। प्रिय, मैं मजबूर हूँ, मजबूर हूँ। प्रहलाद, अगर आप करण सिंह के साथ ऐसा नहीं करते तो आज मेरा बेटा मुझसे जुदा नहीं होता। किस तरह से जिगर अपना पत्थर करूं, किस तरह से जिगर अपना। किस तरह से जिगर अपना पत्थर करूं, लाल खो के कैसे मैं जीती रहूं, लाल खो के कैसे मैं जीती रहूं, लाल खो। खाली हो गई साजन बंधे ना धीर गए, अपनी पूती सब कहे
ये देवी बेपीर के गम के आंसू कहाँ तक मैं पीती रहूं, गम के आंसू कहाँ तक। मैं पीती रहूं लाल खो के कैसे मैं जीती रहूं, लाल खो क्या करे दुर्गे का मंदिर, पति तेरा मजबूर है। क्या करे दुर्गे का मंदिर, पति तेरा मजबूर है। वरना तोपों से उड़ा देता पल में चूर है, और आज से दर्श करने नाया करो, आज से दर्श करने। क्या करे दुर्गे का मंदिर, पति तेरा मजबूर है। वरना तोपों से उड़ा देता पल में चूर है, और आज से दर्श करने न आया करो, आज से दर्श करने। ये तेरा पति मजबूर है, नहीं तोप से इस मंदिर को उड़वा देता। अच्छे बुरे दोनों का प्रीतम क्या यही दरबार है, नजरों में खटकेगा मंदिर घोर अत्याचार है। अरे इसको गिरवा दो साजन, प्रिय तो जीती रखूं, इसको गिरवा दो साजन, इसको गिरवा दो साजन तो जीती रहूं, गम के आंसू कहाँ तक मैं पीती रहूं, गम के आंसू कहाँ तक। नाथ मुझे मेरा बेटा चाहिए, आज आपकी वजह से मेरी गोद सुनी हो गई, मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। प्रिय भगवान के लिए कर यही मर्जी है तो पल भरना देर हो, एक ही पल में दुर्गे का मंदिर गिर कर ठेर हो। अरे हुक्म है नौजवानों, अरे हुक्म है राम सिंह ना, तुम देरी करो, हुक्म है राम सिंह तुम देरी करो, हुक्म है राम सिंह तुम न देरी करो। जब ये बात है तो दुर्गे माँ का मंदिर यह भी ढेर हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो, आज आज यहाँ दर्शन के लिए मैं आया हूँ, एक दिन कोई दूसरा आएगा वो भी इसी तरह निपुता होकर जाएगा। इसलिए राम सिंह हमारे तीन नंबर कहने पे दुर्गे माँ का मंदिर गिरकर ढेर हो जाना चाहिए। तुम लगाओ निशाना, नंबर एक, नंबर दो। ठहरो ठहरो। कौन? मैं माँ दुर्गे बोल रही हूँ। माँ दुर्गे? हो रे इस तरह क्यों सितम तू है ढाता, सितम क्यों है ढाता। अरे मंदिर से आवाज आ रही है। क्यों
सितम क्यों है ढाता, सितम तू है ढाता। हरे इस तरह क्यों सितम तू है ढाता, और तुझे गम में बंदे नहीं कुछ सुहाता, नहीं कुछ सुहाता। तुझे गम में बंदे नहीं कुछ सुहाता, नहीं कुछ सुहाता। तेरा लाल जिंदा है जिंदा रहेगा, तेरा लाल जिंदा है जिंदा रहेगा, और लिखा विद का कोई नहीं जान पाता, नहीं जान पाता। लिख का विधि का कोई अरे नादान, देवी के नाम पर इस फैसले को छोड़ दे और जा वापस घर जा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये तेरा बेटा दोनों हुकूमतों का बादशाह बनेगा। नहीं माँ, नहीं, कैसे यकीन करूं जबकि मेरा बेटा करण सिंह के कब्जे में गया है। करण सिंह मेरा दुश्मन है, वो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, अवश्य मार डालेगा। बच्चे, ये तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल है जो आज तुम्हारी गोद से बच्चा छीना गया है, लेकिन मेरे ऊपर विश्वास करो, एक दिन वही बेटा दोनों हुकूमतों का बादशाह बनेगा। तुम्हारा बेटा जिंदा है और जिंदा रहेगा। नहीं माँ, कैसे विश्वास करूं जबकि आपकी नजरों के सामने से करण सिंह मेरा बेटा लेकर चला गया। आप बैठी बैठी करिश्मा देखती रह गई, उस वक्त कुछ न बोल सकी। मैं कैसे यकीन करूं कि मेरा बेटा जीवित है और जीवित रहेगा, मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है। पुत्री, मैं क्या करती, मैं तो खुद विवश थी, अगर ऐसा ना करती तो ब्रह्मा जी का अनादर हो जाता, इसलिए मैं खुद विवश थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं खुद साक्षात तेरे सामने आ रही हूँ, तुम सब लोग मेरा दर्शन कर लो। सामने देखो कौन आ रहा है, सामने देखो कौन आ रहा, सामने देखो कौन आ रहा, कौन आ रहा है, हाँ कौन आ रहा है। और माँ, माँ तो अंतर्ध्यान हो गई, माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रिय, इस फैसले को माँ दुर्गे के नाम पर छोड़ दो और वापस चलो। प्रिय नहीं प्रहलाद, मुझे मेरा बेटा चाहिए, आपकी वजह से मेरी गोद प्रिय हो गई। मैं कर ही क्या सकता हूँ। प्रिय, तुम माँ पर विश्वास करो और तुम हमारी साथ वापस चलो, चलो।